गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई गॉट दिस रिंग लाइट टुडे फ्रॉम मीडिया मार्केट। सो जिन लोगों को नहीं पता, सो नेदरलैंड्स में मीडिया मार्केट इज लाइक, आई थिंक और भी यूरोपियन कंट्रीज में है, बट नेदरलैंड्स का आई कैन से इट्स वेरी वेरी ह्यूज। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ सुपर मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो आपको वहाँ पे एवरीथिंग, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। लाइक अगर आपको ईयरपोड्स चाहिए, हेडफोन्स चाहिए, मतलब छोटा से छोटा सेल भी मिल जाएगा, वॉच, वॉशिंग मशीन, टीवी, रिंग लाइट्स, फोन, एवरीथिंग, जो भी तुम इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपके दिमाग में आता है, एवरीथिंग यू कैन गेट इट देयर। सो मुझे काफ़ी देर से लेनी थी रिंग लाइट, सो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू बाय इट। मैंने बट ली है ये छोटी वाली जो ऐसी होती है, सो मैंने ली है ये छोटी वाली। तो मेरे आईज लाइक कि चलो स्टार्ट करते हैं। सो इट इज ऑफ, लेट मी चेक द बिल। I got it for 29 euros. This is for 29 euros, so you can say almost 30 euros. मैंने रिसेंटली अपनी भाभी के लिए ऑर्डर करी थी, तो आई थिंक उसकी मेरे ख्याल से 2500 समथिंग की आई थी, बट उसकी वो बड़ी वाली थी, लाइक प्रॉपर स्टैंडिंग वाली, बट इट्स नॉट द स्टैंडिंग वन। सो आई गॉट दिस इन द पैकेज एंड दिस, वट इज इट, आई हैव टू चेक। And this, I think ये ऐसे attach करने वाला है, so I will assemble this and let's see how it looks and how it works. And ये कुछ manual दिया है इसके साथ। The best part which I can think see is it has these things as well, like up volume, up down, and I think brightness भी कर सकते हो, colors change कर सकते हो। These are the colors that you get with this. Looks quite cool. Okay, so let's try. So it tells me, so it comes with this. यू कैन जस्ट अटैच दिस, लाइक मस्त से रोल करके हो जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पे पता क्या है कि यहाँ पे हैंडीमैन को लेना, मतलब जो ऐसे नॉर्मल प्लम्बर वगैरह, ये इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं एंड प्लम्बर वगैरह, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, नॉट फाइंड एक्चुअली, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। चाहे तुम्हें एक छोटी सी एक होल भी करना होगा ना दीवार में, इट्स लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आई रिमेम्बर कि जब मैं पोलैंड में थी, तो मेरे ना कर्टन का ऐसे ना रोड नीचे गिर गया था, ठीक है। तो आई इज़ लाइक यार इसको कैसे ठीक करना है, बिकॉज मुझे नहीं आता था। तो आई इज़ लाइक यार काफ़ी हाई वॉल थी, तो मैं कैसे मैनेज करूँ उसको, क्या करूँ कैसे करूँ। बट मैंने ना ऐसे कुछ तो जुगाड़ करके उसको ना टिका दिया है ना ऐसे, मतलब ऐसे मैंने उसका ना होल एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया था, वो पता नहीं कैसे पहले सेट करा हुआ था, तो उसके ना होल काफ़ी मोटा हो गया था। तो मैंने उसके अंदर ना अपना जुगाड़ू, अपना दिमाग लगा के उसके अंदर पेपर ठूस दिया, गत्ता ठूस दिया, ताकि वो ना उसका रोड और नीचे ना आए और थोड़ा टाइट हो जाए वो। तो ऐसे करके मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर निकाल लिया, तो निकाल लिया। बट फिर जब मुझे छोड़ना था अपार्टमेंट, तो मुझे पता था कि यार ओनर मेरी छोड़ेगी नहीं ऐसे, मतलब वो अच्छे खासे पैसे मार लेगी मेरे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं हैंडीमैन को बुला के करती हूँ। तो मेरे वहाँ पे पता कितने पैसे लगे, 100 zlotys, 100 zlotys इज इक्वल्स टू इंटू 20 कर लो INR के साथ, उतने मुझे 2000 रुपीज़ वो बंदे ने, और बंदा मैं बोल रही हूँ 5 मिनट से ऊपर मेरे घर में भी नहीं था वो बंदा, और मैंने उसको 100 zlotys दिए एक होल में, उसको एक ऑल होल करना था, मतलब होल के साथ अनदर एक होल करना था ताकि वो वहाँ पे रोड फिट कर पाए। मुझे इतना मतलब दुख लगा ना, मैं बता नहीं सकती। तो ऐसा ही है यहाँ पे, मतलब इवन मेरे पास यहाँ पे अपार्टमेंट मेरे ओनर ने रखी हुई है ना, तो आई हैव द ड्रिल मशीन एंड ऑल, जो नॉर्मल पेच पूछ होते हैं वो सब हैं। तो
वी हैव टू डू आवर सेल्फ. तो मुझे बड़ा डर लगता है ये करने में. एंड सो दिस इज डन. आई हैव टू अप्लाई. ओके सो दिस वन जो ये वाला है ना, एक ये आया था अटैच, ठीक है. तो इसको करेंगे हम, इसको इसके अंदर ऐसे देख रहे हो आप, ये होल है, देर इज दिस होल. तो इट्स क्वाइट ईजी एक्चुअली. सो ये वाली काफी ऐसे बैंड हो जाती है. ओके ये वायर ऐसे अटैच्ड है. सो आई एम जस्ट ओपनिंग अप. सो जस्ट यूजर मैनुअल तो मैं देख रही हूँ इंग्लिश में कहाँ लिखा है. सो इट इज मेंशन डू नॉट यूज फॉर ओवर 6 कंटीन्यूअस आवर्स, डू नॉट टच द पावर कॉर्ड. ओके Do not look directly into the LED lit bulb. Turn off the LED ring light before using a dry or slightly moistened cloth to clean it. Do not use chemicals. Do not use a stove to use if the unit is damaged, especially the tri-core and the case. Professional to fix the appliance only. So they have three colors: temperature, white light, warm light, natural light. That's good. Table stand height, it's 20 centimeter only. So the height is 20 centimeter. Ring light, its diameter is 10 inches, which is okay. I think it's going to serve my purpose at least for now. छोटे मोटे कामों के वीडियोस के यही सही होगी ना. आई थिंक लेट्स ट्राई. सो बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस. आई हैव असेंबल्ड इट. ये यहाँ पे अपना फोन लगा सकते हो आप. अच्छा ये देखो, इसके साथ ये चैनल्स इन कलर, चेंज द कलर, लेट्स प्लेस मोर. It looks good. It looks yellow in the video, but it's orange. Okay. Or it's just now just blinking. Oh, cool. Oh, this one is really cool. I don't know if you're able to see this, but it's like changing color. It's from green, white, blue, yellow. It's now running in the circles. This is dark. It's off. So look at these buttons. So you get all these. So three colors as mentioned. And then up, down. Yeah, looks good. Only drawback that I can say is, let me show you. So it has only this cord. So it's not like proper plug. बट सिर्फ इतना ही आया इसके साथ, और कोई ऐसा मतलब आया भी नहीं है एक्स्ट्रा कि मैं उसके साथ. तो मेरे पास ऑलरेडी था एक चार्जर का, वो तो मैंने उसके साथ लगा दिया, बस दैट्स इट. सो मैंने अभी वो रिंग लाइट में फ़ोन लगाया है. सो आई होप अभी क्लियर आ रही होगी मेरी वीडियो, लाइक फेस क्लियर आ रहा है. आई डोंट नो हाउ मच डिफरेंस यू कैन सी, बट पहले वो नेचुरल लाइट का था, अभी ये रिंग लाइट की है. सो लेट्स मी ट्राई सम अदर मोड्स. I'll see कि कितनी brightness is required, because I have not much idea. So this is also testing for me. Okay. I'll just play with this now, and I hope अभी next videos आपको थोड़ी सी better आएंगी, better lighting के साथ. So अभी तक मैंने जितनी videos बनाई थी वो सारी मैंने natural light में बनाई थी. So I hope अभी आपको थोड़ी सी clear आएंगी, because मैं usually office से आने के बाद ही कुछ भी record कर पाती हूँ. तो I found कि थोड़ी सी ब्लैक केश टाइप आ रही थी, क्योंकि तब तक थोड़ा सा दिन ढलने लग जाता है ना. सो आई होप अभी आपको अच्छी वीडियोज़ आएंगी. एंड येस, इफ़ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड मैं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ आऊँगी. सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर.